साहिबगंज जिले की रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की गुत्थी सुलझाने सीबीआई टीम साहिबगंज पहुंचकर तीसरे चरण की जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार की सुबह तकरीबन 10:15 बजे रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस निरीक्षक जी के अशु के नेतृत्व में 2 सदस्य सीबीआई टीम मंडल कारा साहिबगंज पहुँची, जहां सीबीआई टीम ने रूपा तिर्की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में बंद उसके बेंचमेट पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने शिव कुमार कनौजिया से जेल ऑफिस में पूछताछ की। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रूपा तिर्की की मौत मामले में शिव कुमार कनौजिया से रूपा से परिचय कब और कैसे हुआ था, रूपा से अंतिम मुलाकात कब हुई थी, रूपा से मोबाइल पर आखिरी बार कब बात हुई थी, रूपा को आत्महत्या के लिए उकसाने का उस पर लगे आरोप में कितनी सच्चाई, क्या रूपा कभी काम के दौरान किसी से धमकी या दबाव मिलने जैसे कोई शिकायत उनको की थी, रूपा की मौत की खबर उनको किससे और कब मिली, रूपा तिर्की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उस पर पुलिस द्वारा दर्ज करने की जानकारी उनको कब और कैसे मिली, साहिबगंज पुलिस के द्वारा रूपा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके खिलाफ न्यायालय को प्रस्तुत किए गए ऑडियो क्लिप की सच्चाई से संबंध सहित कई अन्य अहम जानकारियां उनसे ली गई। सीबीआई ने साहिबगंज के विशेष न्यायाधीश जिला जज प्रथम के न्यायालय में मंगलवार को जीरवा बाड़ी ओपी बोरियो थाना कांड संख्या 127/2021 एवं भादवी की धारा 306 के मामले में जेल में बंद शिव कुमार कनौजिया का बयान कलमबंद करने को लेकर आवेदन देकर इसकी अनुमति ली थी। दरअसल 2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की का शव शहर के पुलिस लाइन स्थित उसके क्वार्टर से बीते 3 मई की रात को संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला था। बाद में पुलिस ने जांच के क्रम में जिरवा बाड़ी ओपी में रूपा तिर्की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके कथित बॉयफ्रेंड और बैचमेट शिव कुमार कनौजिया के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए बीते 9 मई को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बाद में परिजनों और समाज संगठनों के मांग एवं दायर से प्रवाद के आधार पर रांची हाईकोर्ट ने इसकी जाँच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई टीम यहां पहले भी 2 चरणों में जांच पड़ताल कर चुकी है। इस दौरान मामले से जुड़े लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों से मिलकर सीबीआई टीम जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है। बता दें कि इस मामले में साहिबगंज पुलिस के अनुसंधानकर्ता साहिबगंज के पुलिस निरीक्षक शशिभूषण चौधरी ने अनुसंधान पूरा करने के बाद बीते 3 जून को ही यहां न्यायालय में शिव कुमार कनौजिया के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर चुका।